तो मैं अब आपसे बेसिकली बात करने जा रहा हूँ अबाउट द यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। दिस कैन बी रिमेम्बर्ड बाय द निमोनिक श्रीलंका। ठीक, कौन से कंडीशंस में हम टेट्रासाइक्लिन को आराम से इजीली विदाउट एनी फियर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सो श्रीलंका, ऐसे होगा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH secretion, syndrome of inappropriate ADH secretion, और इसमें जो drug of choice होती है उसका नाम है डेमिक्लोसाइक्लिन is the drug of choice in syndrome of inappropriate ADH secretion। उसके बाद R से आ जाता है रिकेट्सियल इन्फेक्शंस। ठीक, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी कौन से दो अलग अलग तरह के रिकेट्सियल इन्फेक्शंस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले होता है आपका टाइफस। टाइफस में एपिडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस या फिर स्क्रब टाइफस। फिर फीवर में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर या फिर क्यू फीवर। ठीक, उसके बाद आई से इंग्वाइनेल, स्पेसिफिकली ग्रैन्यूलोमा इंग्वाइनेल। ठीक, इंग्वाइनेल और ये है ग्रैन्यूलोमा इंग्वाइनेल, एंड ग्रैन्यूलोमा इंग्वाइनेल इज बेसिकली अ sexually transmitted disease caused by, so granuloma inguinal is mainly caused by Klebsiella। ठीक है, granuloma inguinal इसका दूसरा नाम होता है डोनोवेनोसिस। ठीक, इसके बाद जो अगली दवाई आती है, इसका अगली जो डिजीज है जिसमें दी जाती है उसका नाम है लिम्फोग्रैन्यूलोमा वेनेरियम। ठीक, दिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय क्लेमीडिया। ठीक है, लिम्फोग्रैन्यूलोमा वेनेरियम में दे सकते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो गिव दिस इन द केस ऑफ ए टिपिकल निमोनिया। ठीक है, सो इससे आप लोग याद रख सकते हो ए टिपिकल निमोनिया में वी कैन गिव दिस उसके बाद के से आप लोग कॉलेरा याद कर सकते हो, सी से कॉलेरा। So in the case of cholera, the drug of choice is doxycycline। ठीक, के बजाय सी आप याद कर लो, cholera। ठीक है, cholera के से भी कहते हैं cholera। So cholera में drug of choice is doxycycline। Finally ए से हो जाएगा आपका amoebiasis। So amoebiasis में you can also give tetracyclines। Amoebiasis में tetracyclines can be given। And now finally आपको मैं एंड बताने से पहले, ईला अरोन इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, अगर आपको सबका नाम पता याद हो। ईला अरोन क्यों मैं बता रहा हूँ, ईला अरोन क्योंकि अरोन से आप याद रख सकते हो एजिथ्रोमाइसिन कैन ऑल्सो बी गिवन इन दिस केस। ठीक, एजिथ्रो अरोन, सो दिस कैन बी गिवन इन ग्रैन्यूलोमा इंग्वाइनल, लिम्फोग्रैन्यूलोमा वेनेरियम एंड atypical pneumonia। This finishes off today's lecture on uses of tetracycline। See you in the next episode। तब तक के लिए this is Karan Kumar signing off। Bye bye।